और दोस्तों कैसे हो, तो ये है मेरे पास बिल्ड स्किल प्रो पावर एंड हैंड टूल किट। और यहाँ पर देखिए मेड इन इंडिया लिखा है, जो कि अच्छी बात है। और प्राइस लिखी है 5,500, मगर ये इतना महंगा नहीं है। ऑनलाइन ये जो है 2,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो लिंक जो है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप फटाफट से इसको ओपन करके देख लेते एक बार। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा इसको अरेंज कर देते एक बार। और यहाँ पर तो ओपन करते ही इसके अंदर जो है यहाँ पर यूज़र मैनुअल के साथ रखे हुए हैं 2 एक्स्ट्रा ब्रश, और यूज़र मैनुअल काफ़ी छोटा सा ही है। और यहाँ पर फटाफट से पहले एक बार सब प्लास्टिक वगैरह को उतार देते और फिर एक एक करके बात करते टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लास्टिक के प्लग्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे अंदर और भी रखे हुए, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लायर से। तो यहाँ पर प्लायर की क्वालिटी अगर मैं करूँ इस प्लास्ट की, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है और काफ़ी सही क्वालिटी का लग रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इससे काम आप कर सकते हो। साइज़ काफ़ी छोटी है और डिज़ाइन वगैरह आप देखिए कुछ इस तरह से है। तो साइज़ थोड़ी छोटी है मगर क्वालिटी काफ़ी सही लगी है। और हैमर की अगर मैं बात करूँ तो हैमर का भी वेट जो है सही लग रहा है। और हैमर जो है यहाँ पर देखिए पीछे की साइड में वो दिया है, स्क्रू निकालने वाला जो होता है ना उसके लिए। और हैमर की भी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी इसके अंदर। और ये देखिए नॉर्मल जो दूसरे हैमर्स होते हैं वैसा ही हैमर है। तो काफ़ी सही ग्रिप वगैरह आपको मिल जाएगी ये जो रबड़ का नीचे दिया गया है उसकी मदद से। और डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी सही लग रही है हैमर की। और अब हम लोग बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो स्क्रू ड्राइवर के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको मैग्नेटिक अटैचमेंट मिलेगी ऊपर की साइड में, और पीछे यहाँ पर देखिए वापस वही डिज़ाइन ऑरेंज और ब्लैक कलर काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर ये जो है आपको अटैचमेंट मिल जाते हैं स्क्रू ड्राइवर के मैग्नेटिकली, ये देखिए स्टिक हो जाते हैं कुछ इस तरह से, और आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। तो टोटल 4 आपको अलग अलग अटैचमेंट मिल जाती है स्क्रू ड्राइवर के लिए, छोटी बड़ी स्टार शेप में यहाँ पे देखिए, जिससे आपके मोस्ट ऑफ सारे काम हो ही जाते हैं इन सब से। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो पाना हमें मिल जाता है, ये देखिए। तो ये जो है ये भी काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना हुआ लग रहा है। और यहाँ पर देखिए इसको मैं करता हूँ, और 20 mm तक जो है मैक्सिमम इसमें आप कर सकते हो, मतलब 2 सेंटीमीटर तक की साइज़। और यहाँ पर नट बोल्ट वगैरह जो भी फिटिंग वगैरह करना है उसके लिए काम आ सकता है। तो टूल किट में ये तो होना ही चाहिए। और ये है मेजरिंग टेप, जो कि 3 मीटर की मैक्सिमम लेंथ की है इसके अंदर। और टेप की बॉडी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सही लग जाती है, बॉडी की क्वालिटी मजबूत है। और टेप की अगर बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक ही है यहाँ पर येल्लो कलर में जो मिल रही है। और यहाँ पर होल्ड करके रखने का और वो भी ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं इसके अंदर। और ये जो है आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है स्क्रूज रखने के लिए और प्लग्स वगैरह को रखने के लिए, जो कि अच्छी बात है। इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके हम लोग रख सकते हैं, वरना बहुत सारे टूल किट के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं स्क्रू वगैरह। और ये नट बोल्ट वगैरह निकालने के लिए, इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पर जो है ये स्केल आपको मिल जाती है होल्स वगैरह की डेप्थ जानने के लिए, ये भी ड्रिलिंग मशीन का ही एक एक्सेसरी है, तो ये भी मिल जाता है, अच्छी बात है। टोटल 20 सेंटीमीटर तक की है ये। और यहाँ पर अब बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन बिल्ड स्किल। तो 500 वाट की ये ड्रिल मशीन है, और रेड कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और इसके ऊपर देखिए हैमरिंग, और यहाँ पर कंटिन्यूस ड्रिल और ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेवल दोस्तों इसके अंदर ही दे दिया गया है ड्रिलिंग मशीन के, अलग से एक लेवल नहीं दिया है इस किट के अंदर। और यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं बटन्स की। दूसरे दोस्तों 2800 RPM वाली 13 mm की ये ड्रिल मशीन है। और यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो है इसका टूल भी मिल जाता है ड्रिल मशीन का। तो फटाफट से एक बार फिटिंग कर लेते हैं और दीवार में एक बार होल करके देखते हैं। तो ये वाले जो ड्रिल बिट्स होते हैं दोस्तों दीवार में होल करने के लिए होते हैं। और यहाँ पर मैंने हैंडल भी इसके अंदर फिट कर लिया है, ये देखिए ये भी इस टूल किट के अंदर ही मिला है हैंडल। तो यहाँ पर एक बार दीवार के अंदर होल करके देख लेते हैं हम लोग। और देखिए आप धीरे धीरे भी आप लोग इसको रोटेट कर सकते हो स्क्रू वगैरह फिट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा प्रेशर आप लगाओगे, मतलब बटन को जितना ज़ोर से दबाओगे उतना फास्ट ये घूमेगा। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे से स्टार्ट करता हूँ और करते हैं होल। यहाँ पर अभी मैं एकदम स्लो स्लो कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर होल होना स्टार्ट हो गया है, कचरा बाहर उठ रहा है। तो अब मैं एकदम फास्ट करूँगा और देखते हैं होल कितना अंदर तक फटाफट ये करती है। तो जैसे ही एकदम फास्ट मैंने किया, ये देखिए अंदर घुस गया है, ये होल हो गया है पूरा अच्छे से। और अब इसको अगर बाहर निकालना है मुझे तो यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए इसको कर दूंगा और आसानी से बाहर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान लगा। और अब हम लोग लकड़ी को भी करके देख लेते। तो ये जो ब्लैक कलर के ड्रिल बिट होते हैं दोस्तों,
लकड़ी के अंदर होल करने के लिए होते हैं, तो यहाँ पर वुड भी तैयार है तो इस पर भी होल करके देख लेते हैं। दोस्तों ड्रिल मशीन का काम सिर्फ रोटेट करना होता है, यहाँ पर होल जो है ड्रिल बिट करते हैं अलग अलग मटेरियल पे। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कौन से ड्रिल बिट इसके अंदर मिलते हैं हमें। तो इसके अंदर आपको वॉल और वुड के अंदर होल करने वाले ड्रिल बिट मिल जाते हैं, मगर मेटल के अंदर होल करने वाले ड्रिल बिट नहीं मिलते हैं, वो आपको अलग से बाय करने पड़ेंगे। वो टाइटेनियम के आते हैं, अगर आप मेटल वगैरह में होल करना चाहते हो तो कुछ इस तरह के वो दिखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू वगैरह का सेट है, वो भी आप ड्रिलिंग मशीन के साथ यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो एकदम हल्का हल्का मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन को, और देखिए धीरे धीरे स्क्रू जो है अच्छे से फिट हो रहा है एकदम टाइट। और यहाँ पर जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको निकाल या लगा भी सकते हो। देखिए स्क्रू ड्राइवर जो है उसमें ऐसे मैग्नेटिक के लिए जो फिट हो जाते थे अटैचमेंट, और यहाँ पर देखिए ये, और इसकी जगह आप लोग जो है ड्रिलिंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा के रोटेट करके। ये देखिए मैं निकाल देता हूँ वापस स्क्रू को, तो बड़ा ही आसान हो जाता है काम करना इसकी मदद से। और यहाँ से आप बटन को लॉक भी कर सकते हो कंटिन्यूस, अगर आपको ड्रिल करना है तो फिर ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और ये जो है नट्स वगैरह को निकालने के लिए या लगाने के लिए आपको मिल जाते हैं अलग अलग, और ये देखिए, और इनको फिट करने के लिए ये एक अलग से आपको टूल मिला था। ये देखिए इसके अंदर ये फिट हो जाते हैं, 5 mm से लेकर 13 mm तक के आपको इसमें मिल जाते हैं ये, और यूनिवर्सल है, किसी भी दूसरे टूल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो टोटल आप लोगों ने देख ही लिया है क्या क्या हमें मिलता है और कैसे कैसे यूज़ करना है इनको। और यहाँ पर इस टूल किट के अंदर एक कटर कहीं पर फिट हो जाता है छोटा मोटा, तो भी बढ़िया रहता। और जो जो चीज़ें मिली है काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप लोग घर के लिए यूज़ करते हो होम टूल किट के हिसाब से, या फिर प्रोफेशनल काम में भी दोस्तों काफ़ी सारे काम इससे आप लोग कर सकते हो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी ड्रिलिंग मशीन, और काफ़ी पावरफुल भी लगी और इजी टू यूज़ है वैसे देखा जाए तो सभी टूल्स। और दोस्तों प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट काफ़ी सही लगा, अगर आपको ये बाय करना है तो मैं लिंक्स जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो मन में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाला बटन दबा के, साथ में बेल आइकन वगैरह सब दबा दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, जय श्री कृष्णा।